यार अब मेरे को पर्सनली लग रहा है कि रियलमी भी रेडमी की कॉपी कर रहे हैं, आई मीन रेडमी की तरह हरकतें कर रहा है। लाइक जैसे कि रेडमी ने हर प्राइस सेगमेंट के अंदर अपनी स्मार्टफोन लॉन्च करी है, एंट्री लेवल स्मार्टफोन से फ्लेक्सिबल लेवल स्मार्टफोन तक। अगर आप स्मार्टफोन की प्राइस लिस्ट चेक करते हो तो आपको कहीं ना कहीं हर प्राइस सेगमेंट के अंदर रेडमी के फ़ोन्स देखने को मिल ही जाएंगे। एंड अब रियलमी भी वही करने की कोशिश कर रहा है, और रियलमी ने अपनी ऑलरेडी पहचान बना रखी है बजट फ़ोन में रियलमी 2 प्रो लॉन्च करके। बट अब रियलमी तैयारी कर रहा है एंट्री लेवल स्मार्टफोन में अपनी पहचान बनाने की। यहाँ पर ट्रस्टेड सोर्स इन्फॉर्मेशन मिली है कि रियलमी अपना न्यू डिवाइस लॉन्च करने वाला है रियलमी A1 के नाम से, और ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा 5 से 6 हज़ार के बीच में। फिर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में, इसके स्पेक्स और फीचर्स के बारे में। यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो के स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, आप कोई वीडियो मिस ना करें। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर लुक्स के बारे में बात करें तो रेंडर्स के अनुसार आपको Realme A1 में लिटरली Realme 2 Pro की तरह लुक देखने को मिलेगी waterdrop नॉच के साथ। एंड अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको 2 RAM वेरियंट्स देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा, तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2GB और 3GB RAM वेरियंट्स देखने को मिलेंगे 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसको आप फर्दर SD कार्ड लगाकर एक्सपांड कर पाओगे। एंड अगर कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मेगा। एंड इसके अलावा आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस को पावर अप करने के लिए आपको यहाँ पर 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। एंड रियर पैनल में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो सीधे सीधे डब्बे के बाहर आपको एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलेगा। अगर एंड्रॉयड पाई देखने को मिलता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बट चलेगा यार, ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा और 5 से 6 हज़ार के बीच में लॉन्च होने वाला है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को पता चली है रियलमी A1 के बारे में। एंड अगर आप मेरी राय पूछो इस स्मार्टफोन के बारे में, तो अगर ये फ़ोन ये सारी स्पेक्स के साथ 5 से 6 हज़ार के बीच में लॉन्च होता है तो जो कंपटीशन है ना एंट्री लेवल स्मार्टफोन मार्केट में, वो कंपटीशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनेगा इस डिवाइस के साथ। एंड यार अगर आप सोचते हो 5 से 6 हज़ार के बीच में, तो आपको MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर, डुअल कैमरा सेटअप, waterdrop नॉच, 4200 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, और आप चाहते क्या हो 6 हज़ार के बीच में। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है ये डिवाइस की स्पेक्स। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर लिखना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।